हेलो फ्रेंड्स, आज हम केवीएस पीजीटी बायोलॉजी 2023 जूलॉजी डेमो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में मैंने बॉटनी के टॉपिक्स को डिस्कस किया था। मैं फिर से कुछ बातें रिकैप कर लेता हूं और फिर जूलॉजी के टॉपिक्स को लिखूंगा। एक मेजर पॉइंट ये है कि आपका टॉपिक एनसीईआरटी से गिवन होना चाहिए। डेफिनेटली आपका एनसीईआरटी का टॉपिक होना चाहिए जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सेकेंड पॉइंट, वो टॉपिक को जब आप पढ़ाते हैं तो आप डायग्राम ड्रॉ करें। क्लियर है ना? उसमें कोई रिलेवेंट डायग्राम निकल आएगा जब आप कोई टॉपिक पढ़ाएंगे। जब डायग्राम नहीं है तो फिर उसमें कोई फ्लो चार्ट बनाएं। फ्लो चार्ट नहीं है तो कोई साइकिल वहां बन रही होगी। कुछ ना कुछ तो ऐसा लिंक वहां पर आपको मिलेगा जो आपको करना चाहिए, क्योंकि विदाउट प्रेजेंटेशन आप विदाउट डायग्राम फ्लो चार्ट या साइकिल के आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। मैंने एक चीज और कही थी कि टॉपिक इस तरीका का प्रिपेयर करें कि जो लगभग 10 मिनट्स तक चलने वाला हो, 10 मिनट्स या इसके अप्रॉक्स चलने वाला हो। क्लियर है ना? और मैंने एक चीज कही थी कि आप जो टॉपिक पढ़ाएं वो टॉपिक आपका या तो फिजियोलॉजी से रिलेटेड हो, ठीक है ना, फिजियोलॉजी से रिलेटेड हो। नहीं तो फिर अगर कोई और टॉपिक है तो कोई प्रोसेस को डिफाइन कर रहा हो, क्योंकि मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के कंपैरिजन में फिजियोलॉजी और प्रोसेसेस को डिफाइन करना थोड़ा ज्यादा कोरिलेटेड हो जाता है, जिससे आपकी प्रेजेंस और स्ट्रांग बन जाती है। क्लियर है ना? तो बाकी बातों को चलिए हम आगे समझते हैं। चलिए अभी हम वन बाय वन, मैंने टॉपिक्स नोट कर लिए हैं और मैं वन बाय वन टॉपिक्स को लेके चलने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, तो आप डाइजेशन इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन, यानी कि स्टमक में और इसके साथ में इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है, इस टॉपिक को बढ़िया से डिफाइन कर सकते हो, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन को। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो आप ना रोल ऑफ पेंक्रियाज, रोल बोला है मैंने, यानी कि पेंक्रियाज के रिलेशन में जो हॉर्मोन्स आ जाते हैं, इंसुलिन है, ग्लूकेगॉन है, इसके बाद पेंक्रियाटिक पेप्टाइडेज वगैरह जो भी इससे रिलेटेड, पेंक्रियाज से रिलेटेड होता है, उस चीज को आप पेंक्रियाटिक एंजाइम्स के रिलेशन में, उस रिलेशन में आप इस चीज इसको ले सकते हैं, क्योंकि पेंक्रियाज एक हेटरोक्राइन ग्लैंड है उसके रिलेशन में। तीसरा एक बहुत अच्छा टॉपिक बनता है जो यूजुअली शायद कोई नहीं उठाता होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हॉर्मोन्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हॉर्मोन्स। ये काफी अच्छा टॉपिक है और यहां से आप बढ़िया से डिफाइन कर सकते हो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं और किस तरीके से रोल प्ले करते हैं वो। गैस्ट्रिन हो गया, सिक्रेटिन हो गया, ये सारे आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर से देखें तो उसमें मुझे जो सबसे अच्छा पढ़ाने के लिए टॉपिक लगता है वो मुझे लगता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, क्योंकि जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की आप बात करते हो ना, तो इसमें बोहर और हेल्डेंस इफेक्ट बहुत अच्छे आ जाते हैं टॉपिक्स, और उसके रिलेशन में आप इसको बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है ना? इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का जो रेगुलेशन होता है, जिसमें आपके डीआरजी, वीआरजी, पेटुला ऑब्लोंगेटा में जो पार्ट्स होते हैं या फिर पोन्स वरेली के जो पार्ट्स हैं, उनके रिलेशन में आप एपन्यूस्टिक सेंटर है, इनके बारे में इनको अच्छे से लॉजिकली डिफाइन कर सकते हैं। नेकस्ट पार्ट को देखें, ब्लड ग्रुप अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे मल्टीपल क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये भी एक अच्छा टॉपिक रहेगा। आगे चलते हैं। इसके बाद हमने सिक्स टॉपिक्स लिख लिए थे, सेवेंथ टॉपिक को देख लेते हैं। इसके बाद आता है एक आरएच फैक्टर। जैसे ही आप आरएच फैक्टर पढ़ाओगे ना, तो आरएच फैक्टर के साथ आप सबसे कॉमन, आपको पता है किस टॉपिक को ऐड कर सकते हो, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। तो
तो ये एक अच्छा टॉपिक बन सकता है जिसको आप पढ़ा सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं ह्यूमन हार्ट का आप डायग्राम बनाइए और उसमें पूरे कंप्लीट ब्लड फ्लो को समझाइए। मैंने ये पढ़ाया हुआ था केवीएस में। इसके बाद कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, अच्छा टॉपिक है। कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट में आपके पास SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ फिज, परकिंसे फाइबर्स, इन इसको बड़े अच्छे से कोरिलेशन में आप पूरा समझा सकते हो। उसके साथ में कार्डिक साइकिल को भी डिफाइन थोड़ा बहुत कर सकते हो। इसके साथ आप मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक को भी हल्का सा ले सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से नेक्स्ट नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अच्छा टॉपिक है और 10 मिनट आराम से चलेगा अगर आप डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, छोटा टॉपिक है बट हाँ अच्छा है, डिटेल में अगर आप इसको समझाने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से करा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट को अगर देख लें तो हम रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। बेटा जब रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन को देखते हो ना, इसमें बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं और जिन्हें आप बखूबी डिफाइन कर सकते हो। जैसे आपका है ADH, उसके बाद फिर RAS, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, और ANF, एट्रियल नेट यूरेटिक फैक्टर। क्लियर है ना। इसके बाद आप हीमोडायलिसिस को एज अ टॉपिक ले सकते हो। क्लियर है ना, हीमोडायलिसिस, हीमोडायलाइजर। जब आप हीमोडायलिसिस पढ़ा लेंगे तो उसके साथ में आप तैयार ये भी करके जाएं पेरिटोनियल डायलिसिस, क्योंकि जब वो हीमोडायलिसिस पूछेंगे तो फिर आपसे पेरिटोनियल डायलिसिस की भी बात करेंगे ही करेंगे कहीं ना कहीं। 14th टॉपिक अगर हम देखें इसके बाद, तो फिर आप सिनेप्स पढ़ा सकते हो। न्यूरॉन में जो सिनेप्स बनता है वहां पर इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है, और अगर ये आपको लगता है कि केवल सिनेप्स पढ़ाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको आप दो टॉपिक कनेक्ट कर लो। कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स का कंडक्शन भी पढ़ा दीजिए, और नर्व इंपल्स के कंडक्शन के बाद उसको सिनेप्स पे भी इंफॉर्मेशन का आगे ट्रांसमिशन कैसे होता है उस पॉइंट को दिखा दीजिए। अगर एंडोक्राइन सिस्टम को देखा जाए तो हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन, जो पोर्टल सर्कुलेशन होता है ना, उसके रिलेशन के साथ में उस इसकी हेल्प से हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के साथ जो एंटीरियर पिट्यूटरी का रिलेशन बनता है ना, इस चीज को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं आप। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें बताया जाता है आप पिट्यूटरी ग्लैंड को भी ले सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसमें जो हार्मोन्स का रोल रहता है उसको ज्यादा प्राइमरीली लेके चलिएगा इसके स्ट्रक्चर के साथ में, या फिर आप केवल हाइपोथैलेमस को भी एज अ टॉपिक ले सकते हैं। बट अगर आप हाइपोथैलेमस को लेंगे तो फिर इसके दोनों एस्पेक्ट को ले लें, न्यूरल एस्पेक्ट को भी ले लें और एंडोक्राइनल एस्पेक्ट को भी कवर कर लें। इसके साथ में मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, बट ये टॉपिक उलझाने वाला है। अगर आप मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन लेंगे तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बड़ी बुक्स में बड़ा उलझाने वाली दी रहती हैं, जी प्रोटीन वगैरह, और आपके में ऐसा क्वेश्चन भी आया था, तो उस चीज पे भी आप ध्यान रखें, ठीक है। कितने हो गए थे, 19। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम ले लें तो हार्मोनल कंट्रोल इन मेल, हार्मोनल कंट्रोल इन मेल, बट मेल में उतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो आपके लिए हार्मोनल कंट्रोल इन फीमेल ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। क्लियर है ना। ऊजेनेसिस बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि इससे चीजें बहुत सारी बन जाती हैं, ठीक है ना, तो इसको लिया जा सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इंपॉर्टेंट है, बट मेंस्ट्रुअल साइकिल आप तब लें जब आप उसको बहुत अच्छे से लिमिटेड टाइम में पढ़ा पाए, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिफाइन करने के लिए यूटेरिन चेंजेस, ओवेरियन चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, ठीक है, और फॉलिकुलर जो पूरा ओवरी के अंदर चेंजेस होते हैं,
हार्मोनल, यूटेरिन, ये सारे चेंजेस कोरिलेट कराने पड़ते हैं तब ये डिफाइन हो पाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन एक अच्छा टॉपिक है। एक्रोसोमल रिएक्शन, उसके बाद में कॉर्टिकल रिएक्शन भी पढ़ा दो, तैयार पूरा करके जाओ। जब तक वो ना ना बोले तब तक पढ़ाते चले जाओ आगे, फर्टिलाइजेशन उसके आगे और बढ़ते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये टॉपिक इस मामले में बहुत अच्छा है, पढ़ाते ही चले जाओ, एक्रोसोमल रिएक्शन से स्टार्ट करो, पढ़ाते चले जाओ आगे बस कंटिन्यू, जब तक वो आपको मना ना करे तो ये अच्छा टॉपिक रहेगा। पार्चुरेशन भी अच्छा टॉपिक है, क्योंकि ये आपका फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स से स्टार्ट होगा और मल्टीपल टॉपिक्स आपको मिलते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाओ। नेक्स्ट पार्ट पे देख लेते हैं, कितने पॉइंट्स कर लिए हमने, 25। 26 तक अगर हम देखें तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया, आराम से डिफाइन करिए और बाद में पूछे जाने के लिए यहां पर क्वेश्चंस भी बहुत हैं। इसके बाद एड्स, एड्स में ये मेन जो एचआईवी लाइफ साइकिल रहती है ना, आपकी बॉडी के अंदर एचआईवी की जो लाइफ साइकिल रहती है, इस फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो पार्ट बचा हुआ है उसको भी मैं लेके आऊंगा, हो सकता है आज ही मैं डाल दूं कुछ देर में इस टॉपिक का वीडियो, अदरवाइज कल तक मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तो आप इनमें से टॉपिक्स को चूज करें, हर टॉपिक इक्वली इफेक्टिव नहीं है, आप जिस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं आप उसी को सिलेक्ट करें। धन्यवाद।